इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं, इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए, ऐसी 15 नई लैब को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण एशिया के लिए WHO का रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म भी रिसर्च के इस नेटवर्क को सशक्त करेगा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज लेकर क्रिटिकल रिसर्च तक एक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा।